ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, इस कॉन्सेप्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि गाइस आप इस बैकग्राउंड के साथ अपने इस मॉडल को कैसे ऐड कर सकते हो उसमें। तो गाइस, सब कुछ आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझा दूंगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने वाले जाकर समझ जाओगे। तो गाइस, आप सभी को इसमें मतलब कि जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार हमारे जो 20K सब्सक्राइबर है वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, जिसमें गाइस मैं आप सभी को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाने के ऊपर मैं उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। तो गाइस, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो गाइस उस जाकर इस चैनल को चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करने का गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है? तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, देन ऐड फोटो में जाके गाइस आप सभी को मैं अपने मॉडल का ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल को कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपको ऐड करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख लेना है, ठीक है? एंड आप पोज वगैरह जैसे मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो। बाकी उसके बाद आप सबको यहाँ क्या करना है, अभी यहाँ पे डन नहीं करना है, मॉडल के साइज को कुछ अपने हिसाब से आप रख लेना एंड डन मत करना अभी। फिर उसका जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पीएनजी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो उसको आप पहले मॉडल को मैं पे दोबारा सेट करता हूँ। फिर आपको एक ब्लैक कलर का जो पीएनजी गाइस अभी हमने लिया, इसको आपको कुछ स्टेप से ऐसे लेना है एंड इसको यहाँ पे आपको फुल साइज कर देना है इसका, ठीक है? कुछ इस टाइप से। फिर गाइस आपको इसको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है? ओपेसिटी हार्डनेस अपने अकॉर्डिंग कम कर लेना आप सभी को, ठीक है? एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबको शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है? कुछ इस टाइप से आप चाहो तो गाइस साइज बढ़ा भी सकते हो, ठीक है? अपने हिसाब से आप कर लेना जो भी आपको साइज वगैरह। एंड उसके बाद आप सबको दूसरे जो शूज है उसके उस टाइप में उस जगह पर बनाना है शेडो कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस मेरे को थोड़ी सी ओपेसिटी हार्डनेस कम भी लग रही है, बट कोई नहीं, हम इसमें एक दो बारी ज़्यादा पेंट कर करके कर देंगे काम, ठीक है? तो आप सभी कुछ ऐसे कर लेना है एंड इसको जिस टाइप से ऐसे शेडो क्रिएट कर लेनी है, एंड जो साइड में हो गया इसको मैं रिस कर लेता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आप चाहो तो आप डन कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हम आप इसको डन करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद गाइस आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक विग्नेट का पीएनजी भी दे दूंगा मैं, आपको इसको लेना है एंड इसको आपको इसको लेके कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना है, एंड इसको यहाँ पे आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है? पिक्सआर्ट का काम हमारे यहाँ पे गाइस खत्म होता है, अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं ऐसे हम लाइट रूम ऐप में, ठीक है? क्योंकि लाइट जो कलर रिटच हो गया हमारी वहीं होगी, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लिया हमने। अब जाना आप सभी को इस लाइट वाले ऑप्शन में, एंड जिसका कॉन्ट्रास्ट होगा गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जिसका हाईलाइट होगा इसको थोड़ा सा इसको कम कर देना है, एंड जो शेडो होगा इसको थोड़ी सी बढ़ा देना है, एंड जो गाइस वाइट होगा इसको थोड़ा कम कर देना है, ब्लैक जो होगा उसको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आप सभी को गाइस जिसका जो कलर्स होगा उसके बाद आपको उसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर जो होगा उसको थोड़ा कम कर देना है, फिर चले जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर इसका येलो कलर लेना है, इसका ह्यू आप चेंज कर सकते हो एंड सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, एंड इसके बाद आपको डार्क ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना है, एंड नीचे स्क्रॉल करके आपको मिला ग्रेन अमाउंट आपको उसको बढ़ा देना है, एंड उसको चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे आपको मिला कलर नॉइज रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।